सो है फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम जेसन है और आज के वीडियो में हम देखेंगे सॉलिड मॉडलिंग और सॉलिड मॉडलिंग के टाइप्स। इसके एक टाइप्स जनरली आते हैं एग्जाम के लिए, 10 मार्क के लिए, कभी शॉर्ट नोट पूछा जाता है 5 मार्क के लिए। एक एक करके हम सॉलिड मॉडलिंग का टाइप्स भी देखेंगे इस वीडियो में। पहले समझते हैं कि सॉलिड मॉडलिंग क्या होता है। सॉलिड मॉडलिंग या फिर 3D ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन, मतलब कंप्यूटर के स्क्रीन में या फिर पेपर पे 3D ऑब्जेक्ट्स बनाना, 3D ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने को हम बोलते हैं सॉलिड मॉडलिंग। अभी ये कैसे किया जाता है, इसको करने के 4 अलग अलग मेथड है जो हम इस वीडियो में देखेंगे एक एक करके। तो आइए सबसे पहला मेथड देखते हैं जिससे हम 3D ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। तो सबसे पहला जो मेथड है उसको हम बोलेंगे स्वीप। ये स्वीप जो है, इसके 2 टाइप्स है, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल। स्वीप क्या होता है? स्वीप का मतलब होता है घसीटना या फिर खींचना किसी चीज़ को। तो हम एक नॉर्मल स्टैटिक ऑब्जेक्ट लेंगे, उसको हम खींचेंगे तो फिर अपना 3D ऑब्जेक्ट बनेगा। कैसे, चलो आइए देखते हैं। अभी सपोज मेरे पास ये स्टैटिक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल 2D है। मैं क्या करता हूँ, ये ट्रायंगल को ऐसे खींचता हूँ, मतलब ऐसे मल्टीपल ट्रायंगल्स बनाते जाता हूँ यहाँ पर मैं, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक। तो मुझे एंड में क्या मिलेगा, मुझे एक ऐसा ट्रायंगल मिलेगा जो एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये देखो, तो ये हुआ ना 3D ऑब्जेक्ट। पर ये असल में क्या है, यहाँ पर छोटे छोटे ट्रायंगल्स अपन ने बनाए और सबको जॉइंट करके एक ट्रायंगल का फुल एक सेट बनाया है, जिसको जॉइन करके अपने को एक 3D ट्रायंगल मिला है। वैसे मैं अगर ये रेक्टेंगल को ले लूँ और ये रेक्टेंगल को स्वीप करूँ, स्वीप मतलब मैं खींचू उसको। अब ये स्वीप का ट्रांसलेशनल टाइप है, मतलब मुझे सिर्फ एक डायरेक्शन में कोई तो एक्सिस में खींचना है इसको, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। अगर मैं इसको सिर्फ खींचते जाऊँगा तो फिर एक के पीछे एक अगर मैं ऐसे रेक्टेंगल्स को रखूँगा तो मुझे रेक्टेंगल्स का एक सेट मिलेगा जो मुझे 3D टाइप में दिखेगा। पर वो असल में जब हम ध्यान से देखेंगे तो फिर वो बहुत सारे छोटे छोटे रेक्टेंगल्स को एक दूसरे के ऊपर ऐसे ओवरलैप करके अपन ने एक 3D रेक्टेंगल बनाया है। तो अपन ने स्वीप का ट्रांसलेशनल टाइप तो देखा है, अब रोटेशनल क्या होता है देखते हैं। अभी जैसे आपको पता है कि ट्रांसलेशनल मतलब क्या होता है, एक जगह पे एक चीज़ को रखना और उसको इस किसी एक डायरेक्शन में उसको लेके जाना। जैसे कि इधर भी देखा रेक्टेंगल इधर है, उसको अपन एक डायरेक्शन में लेके गए तो अपने को एक रेक्टेंगल मिला जो बनता है बहुत सारे सेट ऑफ रेक्टेंगल से। यहाँ पर भी आप देखोगे कि ये ट्रायंगल के बीच असल में बहुत सारे ट्रायंगल्स है जिसको अपन ने स्वीप करके एक ट्रायंगल का सेट बनाया। रोटेशनल क्या होता है, मैं किसी चीज़ को ऐसे हॉरिजॉन्टली नहीं खींचूंगा, मैं वो चीज़ के बीच में एक एक्सिस बनाऊंगा और वो चीज़ को घुमा दूंगा। कैसे, आइए देखते हैं। अगर मैं ट्रायंगल को, अगर मैंने ट्रायंगल पे रोटेशनल स्वीप किया तो फिर कैसे रिजल्ट आएगा मेरे को, ये ट्रायंगल का बन जाएगा कोन, क्योंकि मैंने इसके बीच के एक्सिस के हिसाब से उसको रोटेट किया है। दूसरा एग्जांपल देता हूँ मैं, ये जो रेक्टेंगल है अगर मैंने इसको रोटेशनल स्वीप किया तो फिर इसका क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ये सिलेंडर बन जाएगा। तो होपफुली आपको ये स्वीप का कॉन्सेप्ट पता चला रहेगा, स्वीप के टाइप्स आपको पता चले रहेंगे। ट्रांसलेशनल क्या होता है, जो चीज़ को अपन खींच के लेके जाते हैं, और रोटेशनल की अपन घुमा के 3D ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ये था स्वीप और पहला 3D ऑब्जेक्ट जनरेशन का टाइप। चलिए दूसरे एस्पेक्ट पे चलते हैं जो है कंस्ट्रक्टिव सॉलिड ज्योमेट्री या फिर CSG। तो CSG को अपन CRAPS भी बोलते हैं। तो जनरली इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी तरह के ऑब्जेक्ट्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल के लिए इधर मैंने एक क्यूब और एक सिलेंडर लिया है और दोनों को कंबाइन किया है। अभी मेरे को अगर यूज़ में रहेगा मेरे डायग्राम में तो मैं इसको सिलेक्टिव पार्ट्स इसके यूज़ कर सकता हूँ। जैसे कि मैं ये छोटा सा टुकड़ा आप देख रहे हो इधर अंदर जो मिक्स हुआ दोनों के बीच में, मैं वो यूज़ कर सकता हूँ अलग से। मैं ये आधा कटा हुआ सिलेंडर यूज़ कर सकता हूँ, मैं ये आधा कटा हुआ क्यूब यूज़ कर सकता हूँ। तो वैसे अगर 2-3 फिगर्स है जिसको मैं साथ में मिला रहा हूँ और मैं उसके रिजल्टेंट पोर्शंस को यूज़ कर रहा हूँ तो उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव सॉलिड ज्योमेट्री। उसके नाम में ही वो क्या करता है वो बताया गया है। कंस्ट्रक्टिव मतलब क्या, 3-4 चीज़ों को ऐड करके कुछ कंस्ट्रक्ट करना या फिर कुछ डिराइव करना। तो ये था कंस्ट्रक्टिव सॉलिड ज्योमेट्री। आइए अब हमारे अगले टाइप को देखते हैं 3D ऑब्जेक्ट जनरेशन के, जो है बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन। तो बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन क्या है, ये सब कुछ मत देखिए, पहले ये स्क्वायर को देखिए। अगर आप इस स्क्वायर को देखोगे तो इसके 4 बाउंड्रीज है, पर अगर आप देखोगे, अगर मैं इस बाउंड्री को हाईलाइट करूँगा तो फिर अगर ये क्यूब है तो फिर ये बाउंड्री एक फेस बन जाएगा। मैं वापस समझाता हूँ आपको, अगर ये एक स्क्वायर है, जो स्क्वायर के बाउंड्रीज है
वो अपने को एक थोड़ा टेक्निकल ग्लिच के वजह से वीडियो ठीक से रिकॉर्ड नहीं हुआ था। तो मैंने लास्ट पार्ट में बताया था आपको कि अपने को एक जो व्यू रहता है, फॉर एग्जांपल फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, लेफ्ट व्यू, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट अपने को 2D दिखता है और अपन उसके एजेस को एज लाइंस मानते हैं या फिर एज सेगमेंट्स मानते हैं। पर जब अपना व्यू चेंज करते हैं वो एज इलेबरेट होकर एक बड़ा सा सरफेस बन जाता है या फिर एक फिगर बन जाता है, एक फेस बन जाता है बेसिकली। तो यहाँ पर ये फेस है, ये एक फेस है, ये एक फेस है। तो ये सब तीनों बाउंड्रीज मिलके एक क्यूब ऑब्जेक्ट को बनाते हैं। तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ कहाँ पर होता है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन या फिर ऑटो कैड में, जहाँ पर हम एक व्यू बनाते हैं फ्रंट व्यू, फिर उसके हिसाब से अपन टॉप व्यू बनाते हैं, बॉटम व्यू बनाते हैं, वैसा करके हर एक साइड का बाउंड्री बना के वो फिगर अपन कंप्लीट करते हैं। जैसे अपन ने इधर किया, यहाँ पर अपन ने टॉप व्यू लिया, फिर एक बाउंड्री लिया, फिर वो बाउंड्री को इलेबोरेट किया, उसका एक व्यू आ गया अपने को, फिर उसका बाउंड्री लिया, फिर उसको इलेबोरेट किया, वैसे करके करके अपना एक 3D ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो इसको हम बोलते हैं बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि ये बाउंड्री से बना हुआ है, या फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में अपन लिखते हैं बी रेप्स। तो अभी 3D ऑब्जेक्ट जनरेशन का एक लास्ट टाइप देखते हैं हम लोग, जिसको हम बोलते हैं ऑक्ट्रीज। तो बेसिकली ऑक्ट्रीज क्या है, तो ऑक्ट्री समझने के लिए पहले मैं आपको क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। तो ये अपना एक नॉर्मल एक्सिस है, तो ये एक्सिस में ये जो क्वाड्रेंट, ये क्या बोलते हैं, ये जो ग्राफ है, इसमें दो एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। दो एक्सिस है, मैं दोनों का स्क्वायर लेता हूँ तो 4 आता है, मतलब इसमें 4 क्वाड्रेंट है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अभी ये आपको इजीली समझ में आया क्योंकि ये 2D है, जो मेरा पेन और पेपर है जो आपको दिख रहा है, जो भी है, ये 2D है, यहाँ पर कुछ 3D चीज़ें काम नहीं कर रही है। फिर भी मैं आपको एक 3D डायग्राम बना देता हूँ। सपोज मुझे कुछ 3D रिप्रेजेंट करना है, तो उसमें Z एक्सिस भी आ जाता है। अभी यहाँ पर कितने, 3 एक्सिस आए, तो मतलब 2 raise to 3 इज इक्वल टू 8, मतलब 3D जो अपना ग्राफ है उसमें 8 क्वाड्रेंट आते हैं। वो जो 8 क्वाड्रेंट है मैं आपको ऐसे बता नहीं सकता ये पेपर के ऊपर। तो ये 8 क्वाड्रेंट्स को डिस्क्राइब करने के लिए कंप्यूटर ग्राफिक्स में हम यूज़ करते हैं ऑक्ट्रीज। अभी ऑक्ट्री मतलब क्या होता है, ऑक्ट्री मतलब कुछ नहीं होता, एक नॉर्मल ट्री होता अपना, जैसे अपना नॉर्मल बाइनरी ट्रीज होता था, बाइनरी ट्री एक नोड रहता था, उसके नीचे दो बच्चे रहते थे, वैसे ऑक्ट्री मतलब एक पेरेंट रहेगा और उसके 8 बच्चे रहेंगे, फिर हर बच्चों के 8 बच्चे रहेंगे। तो वैसे करते करते ये बहुत बड़ा ग्राफ बन जाता है इसका, बहुत बड़ा ट्री बन जाता है इसका। तो फिर ये ऑक्ट्री का काम क्या है, ये ऑक्ट्री के जो 8 बच्चे हैं ना, ये हर एक 8 में से हर एक क्वाड्रेंट का इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में बताएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में बताएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में बताएगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में बताएगा, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, वैसे करते करते ये हर क्वाड्रेंट के बारे में हर एक नोड इन्फॉर्मेशन सेव करता है, क्योंकि इसमें 8 क्वाड्रेंट होते हैं ना, 3D यूनिवर्स है ये। अभी इसको बेस्ट इसका एग्जाम्पल दूँ तो ये काम पर यूज़ होता है, ये 3D गेम्स में यूज़ होता है, जैसे कि अपना पबजी हुआ, GTA Vice City हुआ, जो ओपन वर्ल्ड है जिसमें अपन कोई भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो PC को कैसे मालूम रहता है कि ये डायरेक्शन में कितना ग्राफिक्स रेंडर करना है, ये जगह से मैं सीधा जाऊंगा तो आगे क्या क्या लोड होएगा, कौन सा बिल्डिंग्स लोड होएगा, गाड़ी कैसे स्पॉन होएगा, ये सब ऑक्ट्रीज डिटरमाइन करता है। जब अपना कैरेक्टर चलता रहता है तो ऑक्ट्री का हर एक क्वाड्रेंट में से उसका वैल्यू देखता है कि ये क्वाड्रेंट में उसका वैल्यू है, तो इधर कौन सा ग्राफिक्स कितना रेंडर करना है, तो वो हिसाब से अपना पूरा फुल 3D यूनिवर्स बना देता है ये। तो आज का वीडियो यही था अपना सॉलिड मॉडलिंग के बारे में। इसे मैंने सॉलिड मॉडलिंग के 4 टाइप्स आपको एक्सप्लेन कर दिए, स्वीप, कंस्ट्रक्टिव सॉलिड ज्योमेट्री, बी रेप्स और ऑक्ट्रीज। ये वीडियो को लाइक करना ज़रूर मत भूलना, ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, इसके कंप्यूटर ग्राफिक्स के और वीडियोस आने वाले हैं। आपको ये चारों में से कोई भी चीज़ में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में टाइप करके हमें बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।